नमस्कार, जीरो के फेसबुक पेज का स्वागत है। मैं ललित वर्मा। एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर। मांग है रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या है उसको बढ़ाकर 50,000 कर दें। अपनी मांग को लेकर शहीद स्मारक पर लंबे समय से जो बेरोजगार है वह धरने पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि रीट परीक्षा में धरने और प्रदर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। अब जो पदों की संख्या है उसको बढ़ाकर 31,000 की मांग ऊपर की जा रही है और शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जो बेरोजगार है यहाँ पर डटे हुए हैं। मांग है कि पदों की संख्या 31,000 की जाए। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि 2018 में भर्ती की घोषणा हुई थी। इस भर्ती को पूरा होने में करीब 3 साल का समय हो गया है। अभी तक 26 सितंबर को सिर्फ इस परीक्षा का रीट की परीक्षा का आयोजन ही किया गया है। तो वहीं अब निदेशालय की ओर से पदों की विज्ञप्ति जारी होनी है, यानी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी है। ऐसे में शिक्षा विभाग में पद हैं बहुत ज़्यादा खाली हुए हैं और पदों की संख्या 50,000 होने की मांग को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्या है वो 50,000 करने की मांग है। कुछ बेरोजगार हैं, उनसे जानना चाहेंगे कौन सी मांग को लेकर आपको धरने पर बैठे हो। सर एक्चुअली क्या है, 3 साल हो चुकी है रीट की भर्ती को निकाले हुए। 31,000 पद जब उन्होंने निकाले थे, नोटिफिकेशन आई थी, 3 साल गुजर गए हैं। उसके बीच में 4 से 5 बार उन्होंने फॉर्म रीअप्लाई के लिए पोर्टल खोला है और 60,000 पद खाली है, फिर भी वैकेंसी 31,000 पर ही भर्ती करवा रही है सरकार। हमारी एक ही मांग है कि रीट के जो पद है वो 50,000 किए जाएँ, रीट के पद 50,000 किए जाएँ। आपसे जानना चाहेंगे क्यों 50,000 करवाना चाहते हैं आप पदों को, क्या शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं अभी? अभी लगभग बता रहे हैं कि 60,000 समथिंग पद खाली है। हम चाहते हैं कि हमारे 50,000 हो जाएंगे। पहले भी 3 साल से हुई है ये रीट की एक भर्ती और उसमें भी घोटाले हो चुके हैं, पेपर आउट हो चुका है, ये मामला हो चुका है, सबको पता है इस बात का। फिर भी सरकार को भी इस बात का पता है कि पेपर आउट हुआ था भारी मात्रा में और मेरिट भी आ जाएगी, हम अच्छे अंक ला के भी हम मेरिट के हम रह जाएंगे। हमें बहुत दुख होगा इस चीज़ का। हमें बार बार, हम लड़कियों की यही मांग है कि हमें बार बार मौका नहीं मिलेगा, हमारे परिवार वाले हमें इतना मौका नहीं देंगे। तो ये बहुत मुश्किल से हमने ये 3 साल निकाले थे और हमने रीट का बहुत इंतजार किया था और फिर भी हम अच्छे अंक ला के भी, 80% ला के भी हम सेफ नहीं है, तो फिर हम हमारा क्या होगा। हमें इस बात का चिंता है और हमें आगे भी मौका नहीं मिलेगा। इस बार अगर हमें हमारे 50,000 हो जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी और हम भी सरकार का धन्यवाद करेंगे कि हमें बार बार सड़कों पर नहीं उतरना पड़े। अगर आप इतनी भी नारी शक्ति को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हो तो हम देखो किस तरह से आके बैठे हैं आपके पास। हम सरकार से विनती करते हैं कि सरकार प्लीज़ हमारे 50,000 पद कर दिए ताकि हम जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, वो हमारा भविष्य अच्छा हो सके और आगे भी। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे, पदों की संख्या 50,000 करने की मांग की जा रही है। मेरा यही है कि पिछले मतलब 3 साल से जब वैकेंसी निकाली थी 3 साल पहले, तो उस टाइम पे 31,000 पदों का अनाउंस किया था। उसके बीच में 3 साल का जो ये टाइम निकल गया उसमें कहीं प्रमोशन हो गए, कई मतलब एज हो गई, तो मतलब कई पद खाली हो चुके हैं और 31,000 पदों के नाम पे लगातार 3 साल से मतलब ये कर रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली है। तो क्या 3 साल के अंदर पदों की खाली नहीं हुए क्या? तो हमारा यही है कि उन पदों की संख्या बढ़ी जाए, कम से कम प्रेजेंट टाइम में 60,000 पदों के लगभग खाली है, उनको भरा जाए और 50,000 किए जाए। महेंद्र आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पद लगातार खाली हो रहे हैं और अब पदों की संख्या 50,000 करने की मांग की जा रही है, कितने पद खाली हैं? 800 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 800 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा है?
राजस्थान सरकार युवाओं के नाम पर झूठी राजनीति कर रही है। यहाँ राजस्थान सरकार से हमारा सवाल है कि आप ओपन करके बताएं साला दर्पण कि तृतीय श्रेणी के पद कितने खाली पड़े, लगभग 60-70-80 हज़ार तक पद खाली पड़े। इधर बेरोजगार युवा अपनी सड़क पर मांग कर रहा कि आप हमें रोजगार दीजिए, इधर सरकार ये बात के लिए राजस्थान के अंदर होल्डर लगा रखे हैं कि राहुल गांधी आ रहे कि हम महंगाई के खिलाफ, महंगाई देश के अंदर महंगाई पर रोक लगाओ, परंतु राजस्थान का युवा कह रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप बेरोजगारी पर रोक लगाओ। ये सिर्फ लड़ाई बेरोजगार की नहीं है, उन बच्चों के लिए अध्यापक भी नहीं मिल रहे जो बच्चे स्कूल में जाकर के खाली चक्कर के लगा के आ जाते हैं। महेंद्र, एक तबका ये कह रहा है कि नई भर्ती निकाली जानी चाहिए क्योंकि और अभ्यर्थी हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, जो रह गए हैं वह भी तैयारी करके वापस परीक्षा देना चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? 3 साल हो गए आवेदन की तिथि बार बार बढ़ाई, कुछ सारे साथी ललित जी इनका दर्द है, ओवरेज हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई की है, जमीन गिरवी रख करके, गहने गिरवी रख करके बीएड किया, कोची के चक्कर खाए, अच्छे नंबर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर इनके पेपर लीक प्रकरण हो गए, इन दो भागदौड़ में वो युवा उनके सपने का कत्ल हो जाएगा, वो ओवरेज हो जाएंगे, योग्य लोग अच्छे नंबर आने के बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ। हम भी कह रहे हैं सरकार एक और भर्ती निकाले, परंतु राजस्थान के अंदर वो बच्चों की वो क्लासें भी खाली पड़ी है, उनको मास्टर नहीं है, जो डिग्री कर लिया उनको रोजगार नहीं है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और भर्ती निकाले तो भी राजस्थान के अंदर पद खाली पड़े हैं, स्कूलों की शिक्षा की हालत राजस्थान के अंदर गिरती जा रही है, ये राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो राजस्थान सरकार के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी युवा के नाम पर राजनीति करें, हमारा ये सवाल है उनसे कि राजस्थान का युवा सड़क पर बैठा है, आप किस नाम से राजनीति कर रहे हो? राजस्थान सरकार वाई वाई लूट रही है कि हम लोग रीट महोत्सव मनाया है, यह रीट महोत्सव नहीं है मुखिया जी, ये रीट आंदोलन महोत्सव है, ये भीड़ बैठी है, ये रीट आंदोलन महोत्सव है। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, ये लगता भी कुछ ऐसा ही है कि रीट आंदोलन है, क्योंकि पहले भर्तियों में आंदोलन हुए, बीएसटीसी का आंदोलन हुआ, बीएड और अब जो है पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो ऐसे में इन बेरोजगारों ने साफ चेतावनी दे दी कि जब तक पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक इनका ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, साथ ही आने वाले समय में नई भर्ती भी निकालें, नए बेरोजगार जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी राहत दें, लेकिन इस भर्ती में पदों की संख्या 50,000 करने की मांग की जा रही है।